नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना सिखाऊंगा, और वो भी पूरा जीरो से कि किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी हमको और क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी, और पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा और इंटरलॉकिंग भी करके बताऊंगा कि अगर हमने फॉरवर्ड को स्टार्टर को ऑन कर दिया, कंट्रोलर को ऑन कर दिया, तो हमारा रिवर्स ना लगे, एक ही टाइम पर दोनों ना लगे, ये भी मैं आपको करना बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बच्चे, जो भाई हमारे ITI करके फ्रेशर निकले हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में, कुछ भी नहीं पता। दोस्तों वो वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो ITI करके निकले हुए हैं, जिनको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना नहीं आता है और उसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी ये भी नहीं पता है। तो दोस्तों मैं पूरा जीरो से बताऊँगा आपको। और तो दोस्तों इसमें सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, पहला तो ज़रूरत पड़ेगा हमको एक रिले की। एक रिले दोस्तों हमारे पास ये 4 से 6 एम्पियर का। उसके बाद एक NC चाहिए हमको, 2 NO चाहिए और 2 कॉन्ट्रेटर चाहिए 220 वोल्ट के। अगर आपके पास 220 वोल्ट के अवेलेबल हैं तो आप 220 वोल्ट के ले सकते हैं, अगर आपके पास 440 का है तो 440 का ले सकते हैं। दोस्तों कॉन्ट्रेटर 220 वोल्ट का है वो आप कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 220 वोल्ट आपको दिख रहा होगा 50 से 60 Hz। तो दोस्तों ये 220 वोल्ट पहचानने का बहुत ही अच्छा है। अगर काउंटर 440 का होगा तो आपको 440 लिखा मिलेगा, अगर 220 का होगा तो 220 आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो 220 के 2 कॉन्ट्रेटर चाहिए, 2 NO चाहिए, 1 NC चाहिए और 1 रिले चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए मैं आपको पहले कंट्रोल वायरिंग करके कर देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जीरो से आपको समझा दूंगा कि यह कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल से समझा दूंगा और आप समझ जाएंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ न्यूट्रल की। दोस्तों ये न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल को हमने इसके A2 में दे दिया, कॉन्ट्रेक्टर के A2 में दे दिया। ये देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि A2 इसी से हमने इसको लूप मार के इसमें दे दिया, तो ये हमारा इंडो न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया। इसके बाद हमारा फेस आएगा, फेस हमेशा सीरीज में होता है और सीरीज में ही इसे फेस को ही हमेशा कंट्रोल करते हैं, ना कि न्यूट्रल को, और फेस हमारा हमेशा सीरीज में होता है। इसके बाद ये हमारा फेस हमारा चला और ये स्टॉप की NC में जाएगा। स्टॉप की NC से इसमें हम 2 वायर उठाएंगे, एक हमारा फॉरवर्ड के NO में जाएगा, एक हमारा रिवर्स के NO में जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, एक फॉरवर्ड के NO में, एक रिवर्स के NO में, ठीक है। इसके बाद फिर ये हम वायर उठाएंगे फॉरवर्ड की NO का, रिवर्स की NC से हम इसको वायर निकाल के, ये दोस्तों निकल गया, इसके हम फॉरवर्ड के, दोस्तों आप देख रहे होंगे फॉरवर्ड की A1 में दे दिया, ठीक है। दोस्तों फिर से समझ लीजिए, ये रिवर्स की NO से निकल के मैंने ये इसमें दिया, NC में दिया रिवर्स के, और रिवर्स के NC से ही निकाल के मैं इसको फॉरवर्ड की A1 में दे दूंगा। फिर इसके बाद ये हम रिवर्स की NC से, फॉरवर्ड की NC से लेकर के, दोस्तों ये फॉरवर्ड की NC है, इससे हम फॉरवर्ड की NC से निकाल के रिवर्स की NC को हम A1 को हम सप्लाई दे देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्ट्रेक्टर जो है एक ही टाइम पे दोनों कॉन्ट्रेक्टर होल्ड नहीं होंगे और हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसकी पावर वायरिंग करेंगे तो अगर दोनों एक टाइम पे होल्ड जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस बचने के लिए इसलिए इंटरलॉकिंग करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ एक बार, ये हमारा रिवर्स की NC से निकल के, जो ये रिवर्स की NC है, इससे निकल करके फॉरवर्ड की A1 में जाएगा, और फिर ये फॉरवर्ड की NC से निकल करके ये रिवर्स की A1 में जाएगा। ये हमारा हो गया इंटरलॉकिंग। इसके बाद हमारा आता है होल्डिंग का, मेन चीज होल्डिंग। इसके बाद हम, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ड्यूअल स्टार्टर में कि होल्डिंग के लिए
एनसी के आउटपुट से या फिर एनओ के इनपुट से हम एक तार उठा के दे सकते हैं। तो वैसे ये सोच मैंने किया हुआ है, ये मैंने एनओ के इनपुट से ये वायर निकाला और मैंने कॉन्ट्रेक्टर की एनओ में दे दिया है। कॉन्ट्रेक्टर की एनओ में दे के मैंने यहाँ से निकल के, जब काउंटर होल्ड होगा हमारा तो ये अभी एनओ है, जब काउंटर हमारा होल्ड होगा तो ये एनसी हो जाएगा और हमारी सप्लाई यहाँ पास हो जाएगी। यानी कि जब हम काउंटर को दबा देंगे, एनओ को दबा देंगे, तो हमारा काउंटर कंटिन्यू होल्ड हो जाएगा। अगर हम ये होल्डिंग जो है हटा देंगे तो हमारा काउंटर जब तक दबाए रहेंगे तब तक तो हमारा होल्ड रहेगा, उसके बाद जैसे छोड़ देंगे तो हमारा काउंटर अनहोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हमने ऐसे ही इसको भी उठाया हुआ है, ये दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा रिवर्स के लिए है। ये हमने एक वायर यहाँ से उठाया, फिर ये वायर हमने एनओ में दे के फिर इसको एवन में डाल दिया। ये हमारी हो गई होल्डिंग। अब मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे ऑन होता है और कैसे चलता है। एक साथ दोनों होल्ड नहीं होंगे, मैं आपको चेक करके बताऊँगा। तो ये मैंने इसको ऑन कर दिया, देख लीजिए सप्लाई आ गई है, इसमें सप्लाई आ गई है और सप्लाई यहाँ पर भी आ गई है दोस्तों, देख लीजिए सप्लाई यहाँ पे भी आ गई है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो दोस्तों देख लीजिए ये हमारा रिवर्स हमारा होल्ड हो गया। अब मैं अगर फॉरवर्ड के एनओ को दबाऊँगा तो हमारा होल्ड नहीं होगा, उसी दोस्तों देख लीजिए मैं दबा रहा हूँ, नहीं होल्ड होगा। देखिए दोस्तों, अगर ये हम होल्डिंग, अगर हम ये चीज़ इंटरलॉकिंग ना करते तो हमारा दोनों एक साथ जो होल्ड हो जाता, फिर हमारा शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता। अब मुझे इसको होल्ड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एनओ से बंद करना पड़ेगा। ये हमारा बंद हो गया, अब मैं इसको दबाऊंगा तो हमारा ये होल्ड होगा, देख लीजिए ये हमारा होल्ड हो गया। अब मैं इसको दबाऊंगा ना तो ये नहीं होल्ड होगा, ये हमारी इंटरलॉकिंग हो गई, इसे देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि देख लीजिए, ये मैं दबा रहा हूँ, नहीं होल्ड हो रहा है, ये वाला अभी हमारा अनहोल्ड है। अब मुझे इसको चलाना है तो मुझे वापस से इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ से, और फिर ये दबाना पड़ेगा, देखिए दोस्तों ये होल्ड हो गया। अब मुझे इसको होल्ड करना है तो मुझे ये यहाँ से बंद करके और फिर मुझे ये दबाना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों आपके सामने है दोस्तों, ये होल्ड हो गया। अब मैं इसको दबाऊँगा, ये नहीं होल्ड होगा, और फिर मुझे इसको होल्ड कराना है तो ये बंद करके फिर मैंने इसको दबा दिया तो ये होल्ड हो गया। तो दोस्तों ये रहा इसका रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल डायग्राम। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको इसका पावर डायग्राम भी बताऊंगा और मैं आपको इसका डायग्राम भी बता दूंगा कॉपी पे, तो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों आप रिले के बारे में समझ ही गए होंगे, रिले पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं रिले के बारे में। दोस्तों आप पर रिले का बारे में आप देख लेना, तभी आप रिवर्स फॉरवर्ड देखना, तभी आपको समझ में आएगा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको सजेशन में यहाँ पे आपको डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका रिले का वर्किंग। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर पर दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, मैं वो भी लिंक पर दे दूँगा, सजेशन में डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप कभी भी बनाइएगा तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये इंटरलॉकिंग ज़रूर आपको करना होगा। इंटरलॉकिंग के लिए हमको कॉन्ट्रेक्टर में दो एनसी चाहिए, दो एनओ चाहिए, और तभी होगा। एनओ हमारा होल्डिंग के लिए होगा और एनसी हमारा इंटरलॉकिंग के लिए होगा, दोनों में एनसी चाहिए। इंटरलॉकिंग हमारा होगा वो एनसी से होता है और होल्डिंग एनओ से होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मैं वापस इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ये दोस्तों होल्ड हो गया। अब मैं इसको वापस दबा रहा हूँ तो ये होल्ड नहीं होगा, इसलिए मैंने इंटरलॉकिंग किया है, देख लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।